समाज कल्याण विभाग ने लोहाघाट में लगाया दिव्यांग शिविर, कई दिव्यांगों के बने दिव्यांग प्रमाण पत्र। आपको बता दें, समाज कल्याण विभाग चंपावत के सौजन्य से लोहाघाट के रामलीला मैदान में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोहाघाट ब्लॉक दूर दूर क्षेत्रों से दिव्यांग पहुंचे। शिविर का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने किया। उन्होंने कहा, इस प्रकार के शिविरों के आयोजन से क्षेत्र के दिव्यांगों को काफी सहूलियत मिलती है। इस प्रकार के शिविर बीच बीच में आयोजित होने चाहिए। वहीं जिला समाज कल्याण अधिकारी चंपावत आर एस सामंत ने बताया, शिविर में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनने के साथ साथ दिव्यांगों को अलिंको कानपुर के सहयोग से निःशुल्क दिए जाने वाले कृत्रिम अंगों की माप भी ली गई। सामंत ने बताया, एक महीने के भीतर दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग वितरित कर दिए जाएंगे। वहीं ACMO इंद्रजीत पांडे के नेतृत्व में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर HS एरी व आई सर्जन डॉक्टर विराज राठी के द्वारा दिव्यांगों का परीक्षण कर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए। वहीं पिथौरागढ़ लोहाघाट सड़क बंद होने से पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय से आने वाले ENT सर्जन व मानसिक रोग विशेषज्ञ के शिविर में ना पहुंचने से कई लोग मायूस होकर घरों को लौट गए, जिस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी RS सामंत ने बताया, गुरुवार 13 अक्टूबर को बाराकोट में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अगर सड़क खुल जाती है तो वहां ENT सर्जन मानसिक रोग विशेषज्ञ दिव्यांगों का परीक्षण कर प्रमाण पत्र बनाएंगे। वही दिव्यांग शिविर लगने से दिव्यांगों को काफी राहत मिली। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल विकास विभाग, कृषि एवं उद्यान विभाग के द्वारा स्टॉल भी लगाया गया था। शिविर में राजेंद्र गरकोटी, भैरव दत्त राय, महेश पोरा, गिरीश कुंवर, सभासद राजकिशोर साह, दीपक साह के द्वारा सहयोग किया गया। उपक्रम है, इसके सहयोग से दिव्यांग जनों हेतु और वृद्ध जनों हेतु कृत्रिम अंग वितरण और सहायक उपक्रम वितरण हेतु जो भविष्य में आगामी दिनों में वितरण किया जाएगा, आज केवल परीक्षण उनका किया जा रहा है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग का नाप जोक इनके द्वारा की जा रही है, जो कानपुर से विशेषज्ञ की टीम आई है। और उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। विभिन्न विभागों द्वारा अपने स्टॉल लगा के अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग का भी स्टॉल लगा है, जिसको जो समाज कल्याण विभाग से कोई समस्या है या नया आयोजन उनके द्वारा किए जाने हैं तो वो भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। लोहाघाट से लक्ष्मण बीस्ट की रिपोर्ट।